सबसे पहला वोल्टेज जो है हम पावर ऑन करते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम, इसके अंदर SMPS है जो कि 5 वोल्ट रिलीज करेगा। 5 वोल्ट पहले बनेंगे, ये कोई भी हालत में वोल्टेज बनने वाले वोल्टेज है। ये पावर ऑन किया हो ना किया हो, आपके 5 वोल्ट प्रेजेंट रहने चाहिए। तो सबसे पहला आपका वोल्ट टेस्ट पॉइंट रहेगा 5 वोल्ट। देखना है स्टैंड बाई वाले जो भी फॉल्ट देख रहे हैं आप, जहाँ पे आपका टीवी चालू नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला वोल्टेज आप 5 वोल्ट देखोगे, ठीक है। 5 वोल्ट देख लेने के बाद आपको पावर ऑन वोल्टेज जो कि मदरबोर्ड से आता है वो देखना है, ठीक है। जब आप बोर्ड से दबाते हैं तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट पावर ऑन वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। पावर ऑन आने के बाद ही 12 और 24 वोल्ट निकलेंगे, ओके। 3.3 जब मिलेगा यहाँ पावर बोर्ड को। अब पावर बोर्ड भी दो टाइप के होंगे, किसी में डायरेक्ट स्विचिंग मेथड होगा जिसमें 12 वोल्ट स्विच होके निकलेंगे बाहर, मतलब पहले तो 12 वोल्ट बने हुए होंगे पहले से, और फिर एक मॉस्फेट के थ्रू स्विच होके वहां पावर ऑन सिग्नल जाएगा मॉस्फेट पे, ठीक है, उसके गेट पे, ओके। वो शॉर्ट हो जाएगा डायोड और आपके 12 वोल्ट यहाँ पे निकलने के लिए रेडी हो जाएंगे, अगर जो पावर ऑन मिलेगा। किसी किसी में ऑप्टो कपलर से स्विच होकर उसकी जो ड्राइव आईसी है वो SMPS में जो मॉस्फेट की ड्राइव आईसी है उसको सप्लाई मिलेगी, कैसे, ऑप्टो कपलर के थ्रू, ठीक है। ऑप्टो कपलर से जब सिग्नल जाएगा वहां पर एक ट्रांजिस्टर बना हुआ, वो भी स्विच करके उसको सप्लाई दे रहा है ड्राइव आईसी को। वो ड्राइव आईसी जब काम करेगी SMPS से मॉस्फेट काम करने लगेगा, SMPS से आउटपुट बनेगा। मतलब SMPS करता क्या है, 300 वोल्ट को बल्ब चालू करता है ना। स्विचिंग मेथड क्या है, चॉपिंग मेथड है, कटिंग मेथड, मतलब 300 वोल्ट को कट करके AC वोल्टेज बनाया जाता है। DC वोल्टेज से कभी भी आउटपुट वोल्टेज कोई भी वाइंडिंग से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आपको अगर जो SMPS की वाइंडिंग से आउटपुट चाहिए तो स्विचिंग स्विच मोड पावर सप्लाई ही यूज होगा, स्विचिंग वोल्टेज, ठीक है। तो स्विचिंग MOSFET यूज होगा, जिसको ड्राइव लगेगी, ड्राइव को सप्लाई चाहिए, सप्लाई ऑप्टो कपलर से रिलीज होगा बनेगी और फिर बाद में ड्राइव निकलेगी। पहले तो VCC चाहिए ड्राइव आईसी को, VCC मिलेगा फिर ड्राइव बनने लगेगा जो गेट पे आएगा, गेट पे बंद चालू वाले सिग्नल चालू हो जाएंगे, उसके बाद फिर MOSFET बंद चालू कर लेंगे, मतलब शॉर्ट ओपन करेगा तो 300 वोल्ट ग्राउंड होंगे और ओपन हो जाएंगे, ग्राउंड होंगे और ओपन SMPS के थ्रू, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज बन जाएंगे जो कि 12 और 24 वोल्ट, ठीक है, समझ में आ गया। और ये 12 वोल्ट कहीं भी नहीं जाएंगे मदरबोर्ड में, सिर्फ एक स्विच में जाएंगे जो कि टिकॉन स्विच है। ये मदरबोर्ड में बनने वाला सिग्नल है जो सोर्स ड्रेन और ये जो गेट है प्रोसेसर से आने वाले माइक्रो प्रोसेसर से टिकॉन ऑन, ठीक है, यहां 12 वोल्ट ये टिकॉन में जाएगा, ओके, और कहीं भी नहीं जाएगा। 12 वोल्ट खाली मदरबोर्ड में दिखेगा तो ये MOSFET स्विच पे, यानी स्विच टिकॉन ऑन स्विच जो सोर्स पे इनपुट आउटपुट ड्रेन से होते हुए फ्यूज पे टिकॉन की फ्यूज, ठीक है। तो ये एक तरीका है 12 वोल्ट, और कोई कोई पैनल 5 वोल्ट वाली होगी तो यहां से 5 वोल्ट निकलेंगे जो कि ये स्टैंड बाई वाले नहीं, 5 वोल्ट स्विच होके आ रहे हैं। एक अंदर स्विच है MOSFET स्विच, उसके थ्रू 5 वोल्ट बन के जो आएंगे 5 वोल्ट इस पे पहुंचेंगे, ठीक है, यहां पर जिसमें 12 वोल्ट, जिसमें 12 वोल्ट होगा ना, ये 12 वोल्ट इधर पहुंचेंगे, जिसमें 5 वोल्ट होगा 5 वोल्ट इधर पहुंचेंगे इनपुट पे, लेकिन वो MOSFET रहेगा, स्विच के बिना नहीं जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। देखो उसका जरूरी क्यों है, क्योंकि पैनल एक बहुत स्लो प्रोसेस वाली चीज है, जिसमें अगर जो तुमने पहले से ही 12 वोल्ट दे दिया, बैकलाइट ऑन पहले से ही हो गई, तो क्या हो जाएगा कि बैकलाइट ऑन है और पैनल सप्लाई बाद में बनती है, तो क्या हो जाएगा कि पैनल सप्लाई बाद में बनती है तो दिखेगा सब कुछ, पहले गड़बड़ी दिखेगी। तो बैकलाइट को बाद में देने के लिए ही पावर ऑन वोल्टेज पहले दिया जाता है, पावर ऑन के बाद फिर टिकॉन ऑन
टिकॉन ऑन से 12 वोल्ट पहुंचेगा, फिर बैकलाइट ऑन, ठीक है। ये प्रोसेस है, मतलब इसका ऑन होने का सिस्टम है, इस तरह से एक एक चीजें ऑन होती है, ठीक है, सीक्वेंस में ही होगी, एक ऑर्डर में, बूट सीक्वेंस, ठीक है, बूटिंग ऑर्डर रहेगा एक एक कर, ठीक है। तो ये 24 वोल्ट आपके इन्वर्टर बोर्ड में जाएंगे, अगर जो इन्वर्टर बोर्ड है तो, ठीक है, इन्वर्टर बोर्ड में जाए। अगर जो बैकलाइट ड्राइवर है तो किसी किसी में क्या होगा, एसएमपीएस से ही एक डायोड के थ्रू ड्राइव आईसी में जाएगा, ड्राइव आईसी से नेगेटिव रिलीज होगा, जो नेगेटिव आउटपुट स्विचिंग आउटपुट होगा और पॉजिटिव डायरेक्ट जा रहा होगा एलईडी को, पॉजिटिव साइड, ठीक है। अभी मैं एलईडी ड्राइव बाद में बनाता हूँ, पहले ये आप समझ लो। चौबीस वोल्ट इन्वर्टर बोर्ड में और 24 वोल्ट मदरबोर्ड में, अगर जो आईसी 24 वोल्ट पे चलने वाली है तो साउंड आईसी पे 24 वोल्ट जाएंगे, ठीक है, 24 वोल्ट। कोई कोई आईसी 12 वोल्ट वाली होगी तो 12 वोल्ट जाएंगे, उसमें 24 वोल्ट नहीं बनेंगे, वाली सर्किट में 24 वोल्ट नहीं होगा किसी के सर्किट में, तो क्लियर है। अभी पावर वोल्टेज मान लो 12 वोल्ट नहीं आ रहा है तो क्या देखोगे सबसे पहले? पांच वोल्ट देखना है, फिर पावर ऑन देखना है, पावर ऑन देखने के बाद फिर वो सर्किट ट्रेस करनी है कि अंदर क्या कपलर लगा हुआ है, जो अलग एसएमपीएस को स्विच करने के लिए जो आईसी है ड्राइव आईसी उसको सप्लाई देने के लिए यूज किया है उधर, ऑप्टो कपलर डायरेक्टली आप नहीं लगा सकते इसलिए ऑप्टो कपलर यूज किया जाता है, आप लाइव नहीं बना सकते प्राइमरी और सेकेंडरी, तो एक ऑप्टो कपलर यूज किया होता है जो कि मैसेज पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एक डायोड लगा होगा और एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, फोटो ट्रांजिस्टर फोटो डायोड। ऑप्टो कपलर के अंदर एक क्या होता है, एक डायोड होता है फोटो डायोड, उसमें से इंफ्रारेड लाइट निकलती है और एक सेंसर होता है जो फोटो ट्रांजिस्टर में एक फोटो सेंसर होता है जो कि वो सेंस करता है लाइट को और उसके हिसाब से आउटपुट में कलेक्टर पे वोल्टेजेस बनते हैं, ठीक है, वो वोल्टेज के हिसाब से ही वो ट्रांजिस्टर को मिलता है सिग्नल और उसके हिसाब से ही आउटपुट जो बन के, मान लीजिए अभी कलेक्टर पे एक वोल्टेज है मैंने दिया हुआ है पहले से, लेकिन वो पहुंचेगा कब, जब कपलर को उस तरह का वोल्टेज मिलेगा वहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, तभी वो वोल्टेज वहाँ से पास होगा, अगर जो वहाँ नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा होगा तो जीरो वोल्ट ही रहेगा। अभी मान लो ये कपलर है, ठीक है, ये डायोड है, ये लाइट दे रहा है, एक ट्रांजिस्टर है, ये ऑप्टो कपलर है अंदर, ठीक है, ये प्राइमरी सेक्शन है, ये सॉरी सेकेंडरी सेक्शन है और ये प्राइमरी सेक्शन है, ठीक है। अब ये जो कलेक्टर है, एक मान लो कि एक ट्रांजिस्टर के बेस पे जा रहा है, ठीक है, अब कलेक्टर को सप्लाई मैंने पहले से दे रखी है 12 वोल्ट, ओके, मीटर ग्राउंड है, ओके, अगर जो मैंने ये पहले से ही दे रखा है इधर पर 12 वोल्ट, लेकिन यहां पर अगर जो 0 वोल्ट है, मतलब ये ग्राउंड की तरफ है, ये शॉर्ट है ग्राउंड की तरफ, हाँ, तो यहां पर तो वोल्टेज आएगा नहीं, ठीक है, मैं ये लिंक ओपन करूंगा ना तभी ये वोल्टेज रहेगा इधर, ये लिंक ग्राउंड की लिंक, तो क्या होगा कि बेस ड्राइव जब मिलेगा यहां पर, ये मैंने जैसे बताया यहाँ जीरो है तो यहाँ 12 वोल्ट रहेगा, ठीक है, तो ये 12 वोल्ट जब आईसी में जाएंगे ड्राइव आईसी में वीसीसी पॉइंट पे, ठीक है, तो ये मॉस्फेट को ड्राइव करेगा जब, अब ये एन चैनल मॉस्फेट है देखो, ठीक है, एन चैनल, ये एन चैनल मॉस्फेट है जिसको एक एसएमपीएस की वाइंडिंग के थ्रू 300 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, या 390 वोल्ट, ओके। अभी मान लो कि ये
स्विचिंग कर रहा है, कब स्विचिंग करेगा, जब वीसीसी मिलेगा, वीसीसी मिलेगा तो यहाँ ड्राइव बनेगी, ऑन ऑफ ड्राइव, ऑन ऑफ पल्सेस बनेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या बनेगा, ऑन ऑफ सिग्नल्स, ये ऑन पीरियड है, ये ऑफ पीरियड है, ठीक है, ये ऑन स्टेट है और ये ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो ऑन ऑफ जब होगा ये मॉस्फेट तो क्या होगा, ये ड्रेन सप्लाई ग्राउंड होगी और बंद हो जाएगी, ग्राउंड होगी फिर बंद हो जाएगी, ग्राउंड होगी फिर बंद हो जाएगी, तो इसके थ्रू सप्लाई बंद चालू होगी SMPS की वाइंडिंग के थ्रू और आउटपुट पे वोल्टेज बनेंगे। SMPS की जो आउटपुट वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग, वहां पे एक वोल्टेज बनेंगे जो कि जिस तरह की वाइंडिंग है उस हिसाब के वोल्टेज आउट निकलेंगे और जिस तरह की ड्राइव है उस हिसाब के आउटपुट बनेंगे। तो ये ऑप्टोकपलर क्या काम कर रहा है यहाँ पर, स्विचिंग का, तो ये पावर ऑन के साथ जुड़ा हुआ है इधर, पावर ऑन के साथ, ठीक है, जो कि 12 और 24 वोल्ट को बनाने के लिए दिया गया है। लेकिन जिसमें ये LEDs में यूज हो सकता है इस टाइप का, लेकिन अगर जो आप बोलो कि मुझे CFLs को चलाना है तो इस टाइप के MOSFET काम नहीं आएंगे, आपको दो MOSFET वाली ड्राइव बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें कि दो MOSFETs लगे होंगे, जिसको दो गेट ड्राइव लग रही मिली होगी, जो कि ड्राइव आईसी, दो MOSFETs, ठीक है, ये ड्राइवर आईसी और एक और दो MOSFET बने होंगे, तो SMPS की वाइंडिंग में ऑन ऑफ करने के लिए वाइंडिंग दी हुई होगी, इसको भी, दोनों को, तो दोनों ही पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल में काम करेंगे और इसकी वजह से जो वोल्टेज होंगे पावरफुल वोल्टेज 12 वोल्ट और 24 वोल्ट निकले, जो कि पावरफुल होंगे, 390 से बनने वाले वोल्टेज, 390, ठीक है, 390 वोल्ट से बनेंगे 390, ये क्लियर है एकदम।